2 metra. भारत माता की, भारत माता की। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान धान पान मखान ये समृद्ध ही गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मिथिलांचल के अलग अलग हिस्सों से आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो लहर है ये नए भारत की ललकार है। 21वीं सदी में जो बेटा बेटी पहली बार दिल्ली की सरकार चुन रहे हैं, वो हमारे नौजवान इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको पुरानी बातें जात पात मत पंथ के पुराने चुनावी समीकरण समझ नहीं आते। वो तो सिर्फ एक ही बात ठान कर चले हैं कि 21वीं सदी का भारत उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक हो। मैं नीतीश जी का, पासवान जी का, सुशील मोदी जी का और सभी साथियों का, और मैं कहूंगा कि सौभाग्य है कि देश का युवा वोटर उन सपनों उन आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए एनडीए गठबंधन पर विश्वास करता है। भाई और बहनों, हमारे लिए तो भारत माता की जय, यही हमारी भक्ति है और वंदे मातरम का उद्घोष ये हमारे जीवन की शक्ति है। मां भारती की समृद्धि, सुरक्षा और शांति का ही ये दायित्व है जिसे हम 130 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है क्या? ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी वंशवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने
श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ है। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न बस अड्डे पर पुलिस लगानी पड़ती थी, न भांति भांति की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती थी, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती है और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया है। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा है। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार चौकन्ना है, न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल उछल करके
गला फाड़ फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए हैं। भाइयों और बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने तीन चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। इसलिए ऐसे लोग चिढ़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। साथियों, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश के लोगों की आशा आकांक्षाओं की रक्षा सिर्फ नेक इरादों वाली मजबूत सरकार ही कर सकती है। सोचिए भाइयों बहनों, ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने ये हर बार नया नया ढकोसला पत्र निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में एक कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा, 2004 में कहा था और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? 2014 में आपने कांग्रेस की इस नीयत को पहचाना और इस चौकीदार को जिम्मेदारी सौंपी। लाल किले से मैंने ऐलान किया था कि 1000 दिन में 18000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है, हम उसको बिजली से जोड़ देंगे। 1000 दिन होने से पहले मैंने वादा पूरा कर दिया, इस देश के हर गांव में बिजली पहुंच। गांवों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे। काम तेजी से चल रहा है और मैं नीतीश जी, सुशील जी को बधाई देता हूं। बिहार में उन्होंने लालटेन को सदा सदा के लिए विदाई कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा दी। आप हैरान हो जाएंगे, आज जैसे बिहार में काम हुआ है, गवर्नर रूल आने के बाद पहाड़ों में, बर्फीली चोटियों पर जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी करती थी,
ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब अपने अपने कुनबा का भला करना यही उनका काम था। कोई फार्म हाउस बना रहा था, कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था, कोई शोरूम लूट रहा था, तो कोई कोयले में लूट मचा रहा था, कोई रेलवे टेंडर में कमीशन खा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली खा रहा था। सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुंचाने की फुर्सत नहीं थी। यही इन मिलावटी करने वालों की सच्चाई है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में जो काम बिजली के लिए हमने किया है, ठीक वैसा ही काम अगले 5 वर्ष हम पानी पहुंचाने के लिए करने वाले हैं। इसलिए अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया है कि पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। इसका बिहार को और विशेषकर यहां के किसानों उनको बहुत लाभ होगा। भाइयों और बहनों, साल 2022 तक किसानों की आय डबल करने के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य हम पहले ही तय कर चुके हैं। अब पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से सीधा पैसा बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिलना शुरू हो चुका है। और अभी नीतीश जी कर्ज माफी का विषय बताते हैं, आप देख लेना, कोई आदिवासी किसान उसको न कभी कोई कर्ज मिलता है, कोई दलित किसान उसको कभी कोई कर्ज मिलता नहीं है। ये कर्ज माफी न आदिवासी किसानों के लिए है, न दलित किसानों के लिए है, और न ही ज्यादातर ओबीसी किसानों के लिए भी नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर उनके चेले चपाटों का कर्ज माफ होता है, किसानों का नहीं होता है। चुनाव के बाद जब फिर एनडीए की सरकार फिर जब आएगी, तब बिहार के, अभी हमारा नियम है 5 एकड़ भूमि तक का, लेकिन 23 मई को भाजपा एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये 5 एकड़ वाला नियम भी हटा दिया जाएगा और इसका फायदा सबको दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बन सके, इसलिए भी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। आप अपने खेत में सौर ऊर्जा, सूर्य शक्ति वाली ऊर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को सोलर पंप देने का भी देशव्यापी अभियान चल रहा है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिल सके, इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, पान, माछ और मखान ये इस क्षेत्र की पहचान है।
एनडीए सरकारों ने नए तालाब बनाने, तालाब माछ और मखान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर, उसको मजबूत करने का भी काम किया गया है। इसी तरह हमने मछली पालकों के लिए एक अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय किया है। मछली पालकों, किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, एनडीए गठबंधन गरीब की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्राण है। इसका ही एक उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का लाभ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार द्वारा किया गया है, और वो भी बाकी वर्गों के हक से जरा भी छेड़छाड़ किए बिना। भाइयों और बहनों, एनडीए की सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर के बताए रास्ते को और मजबूत किया है, लेकिन वोट के लिए महामिलावटी अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, जब तक मोदी है तब तक किसी के हक से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। साथियों, जो स्थान हमारी संस्कृति की पहचान है, आस्था से जुड़े हैं, उनके विकास के लिए मिथिलांचल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जो नए तरीके निकाले गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। यहां आने जाने के लिए भी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहां के एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के एक अहम केंद्र के रूप में हम मिथिलांचल को विकसित कर रहे हैं। साथियों, मजबूत बिहार, मजबूत भारत के लिए आप सभी को दरभंगा और मधुबनी में कमल के फूल पर और समस्तीपुर में एलजेपी के निशान पर बटन दबाना है। आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। इस चौकीदार को मजबूत करेगा। भाइयों बहनों, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार मजबूत बना के लिए प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए, चौकीदार मजबूत होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आजकल जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं।
40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जो सच है वो बोलना है, ये पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना है, जो सच होगा वो बोलना है, बोलेंगे बोलेंगे, जो सच है वही बोलना है, मुझे या मीडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना है, सच बोलेंगे। ये जितने चेहरे हैं बाजार में, चुनाव के मैदान में, ये प्रधानमंत्री की लाइन में जितने चेहरे हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से, आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है, कौन खत्म कर सकता है, कौन खत्म कर सकता है? भाइयों बहनों, मोदी अकेला नहीं कर सकता है, ये काम कर सकता है आपका एक वोट, आपका एक वोट ये आतंकवाद को खत्म कर सकता है। चौकीदार को भरपूर समर्थन कीजिए, आपका वोट मोदी को जाएगा, मोदी आतंकवाद से लड़ेगा। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके मैं बोलूंगा, आपको बोलना है चौकीदार, क्या बोलना है, क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।